गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लेसन 10 द बिग बैबून. द बिग बिगनिस बड़ा बैबून अ लार्ज मंकी विद अ लॉन्ग फेस. एक मंकी होता है जिसका फेस कैसा होता है, लॉन्ग होता है, उसे क्या कहेंगे, बैबून. यू कैन सी हियर बिस्कर्स, आप देख सकते हो यहाँ, और अच्छे से ड्रेस पहने हुए है, पूरी ड्रेस पहने हुए है, कोट भी पहने हुए है, पैंट भी पहने हुए है, और स्टिक हाथ में लिए हुए है, यानी कह सकते हैं वेल ड्रेस अप में है वो. द बिग बैबून इज फाउंड अपॉन द प्लेन्स ऑफ कैरिबू. ये बड़ा सा बैबून इज फाउंड अपॉन, पाया गया या देखा गया, कहाँ, द प्लेन्स ऑफ कैरिबू. कैरिबू एक जगह का नेम है जो कहाँ है, कनाडा में है. एक बड़ा सा बंदर कैरिबो के मैदान में देखा गया. ही गोज अबाउट विद नथिंग ऑन, वह घूमता है, वह जाता है अबाउट विद नथिंग ऑन, बिना किसी कारण के, विदाउट रीजन, वह इधर उधर वांडरिंग कर रहा है, इधर उधर भटक रहा है, घूम रहा है. अ शॉकिंग थिंग टू डू, इसको लेकर यहाँ पर जो पोएट है वह बहुत ही शौक है, बहुत कहता है ये बहुत ही विचित्र बात है कि वो बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के इधर उधर मैदानों में घूम रहा है. बट इफ ही ड्रेस्ड रेस्पेक्टिवली एंड लेट हिज विस्कर्स ग्रो, यहाँ पर पोएट कहता है ही ड्रेस्ड रेस्पेक्टिवली, वह बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए है, शूज भी पहने हुए है, स्टिक भी लिए हुए है. लेट हिज एंड लेट हिज विस्कर्स ग्रो, और उसने क्या कर रखा है, अपनी विस्कर्स के लिए, अपने हेयर के लिए, विस्कर्स मीन्स अ लॉन्ग स्टिफ हेयर ऑन द फेस ऑफ एन एनिमल, यानी किसी जानवर के फेस पर जो विस्कर्स होते, वाल होते हैं, उसे क्या कहेंगे, विस्कर्स. लेट एंड लेट हिज विस्कर्स ग्रो, उसने अपने विस्कर्स को बढ़ने दिया है. हाउ लाइक दिस बिग बैबून वुड बी, पोइट कहता है कि ये किस प्रकार का बैबून रहा होगा, ये किस प्रकार का मंकी रहा होगा. टू मिस्टर सो एंड सो, टू मिस्टर सो एंड सो मीन्स जेंटलमैन, क्या ये मंकी जेंटलमैन की तरह रहा होगा, जेंटलमैन जैसे कपड़े पहने हुए है, जेंटलमैन जैसी छड़ी पकड़े हुए है, क्या ये बिग बैबून किसी एक जेंटलमैन की तरह रहा होगा. इस बात को लेकर यहाँ पर कोट बहुत ही सरप्राइज है कि वह एक बैबून है जो कहाँ घूम रहा है, कैरिबो के मैदानों में घूम रहा है, बिना किसी रीजन के घूम रहा है, क्या ये जेंटलमैन है या किसी को, या किसी सर्कस से आया है, या किसी को किडनैप करने आया है, ये बात उसके माइंड में चल रही है. थैंक्स स्टूडेंट्स.